हे स्टूडेंट, वेलकम वन सेकेंड टू योर ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, इस वाले वीडियो में मैं एक्सरसाइज 7D का जो हमारा पोर्शन चल रहा है उसका मैंने आपको लास्ट वाले वीडियो में 12 तक के क्वेश्चन समझाया था। इस वाले में 13 से लेकर के 21 तक के जो क्वेश्चन हैं उनको आपको समझा दूंगा कि कैसे आपको नॉर्मल तरीके से ईजी मेथड में उन्हें सॉल्व करना है। बाकी अगर आपने हमारे पिछले वीडियोज़ नहीं देखे या फिर अगर आपको नेक्स्ट वीडियो में कहीं पर कुछ डाउट है नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो उन सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर के आप अपने सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, यानी कि बार बार आपको सर्च करके ढूंढने की जरूरत नहीं है। आप एक ही बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां आपको सारे वीडियोस यानी कि सारे चैप्टर के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो ये स्टार्ट करते हैं ये वाला वीडियो और क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करना सीखते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है मैंने लास्ट वीडियो में आपको डिटेल में बता दिया था स्टार्टिंग में ही कि हमको क्या देखना है। जो बीच में हमें दिया हुआ है नंबर ना, यानी कि इसको ऐसे नंबर में तोड़ना है, ऐसे दो नंबर्स में इसको डिवाइड करना है ताकि हमारा जो सम निकले वो -21 आ जाए और जो इनका प्रोडक्ट निकले वो 90 आ जाए। तो दिमाग लगाओ, ऐसा कौन सा नंबर है जिसका जो प्रोडक्ट होगा वो 90 होगा और सम जो होगा 21 होगा। तो जाहिर सी बात है, हम 15 6 हमारा कितना होता है 90 होता है और 15 और 6 हमारा 21 भी होता है, लेकिन हमको लाना है माइनस में। तो एक बार पहले इस तरीके से लिखेंगे जरूर। मैंने आपको बताया है ना कि आप पूरा पूरा भले स्टेटमेंट ना लिखो लेकिन सम लिख दो कि हमारा सम कितना आना चाहिए, -21 आना चाहिए और प्रोडक्ट कितना आना चाहिए यहाँ पर से, तो प्रोडक्ट जो हमारा है वो 90 आना चाहिए। ये रूल है, ठीक है। पूरा अगर स्टेटमेंट आप जो बुक में दिया वैसे नहीं लिखते हो तो कम से कम इतना लिखना पड़ेगा। ओके, तो हमारा नंबर कौन कौन सा हो जाएगा, तो नंबर हो जाएगा हमारा यहाँ से 15 और 6 हो जाएगा। लेकिन अब हमको ये ध्यान देना है कि 15 और 6 अगर हम प्लस करते हैं तो प्लस में 21 आता है, लेकिन हमको लाना कितना में है, माइनस में 21 लाना है। इसका मतलब हम नंबर को क्या लेंगे, -15 और -6 ले लेंगे, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, -21। तो भाई इसको तोड़ लेते हैं हम यहाँ पर। ये हो जाएगा हमारा वाई का स्क्वायर माइनस में 15y और -6y, यानी कि इस 21y को ही हमने क्या लिखा, -15 और -6 लिख दिया और प्लस में जो 90 है उसको उतार दो। उसके बाद क्या करना है, आपको जो कॉमन मिल रहे हैं उनको कॉमन ले लेना है। जैसे यहाँ यहाँ y मिल रहा है कॉमन, यहाँ से y उठा लो, 1y बच जाएगा और माइनस में यहाँ 15 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ पर से क्या कॉमन मिल रहा है, 6 कॉमन मिल रहा है, तो -6 यहाँ से हटा लेंगे हम, बच जाएगा ब्रैकेट में y। और यहाँ देखो हमने माइनस का साइन बाहर लिया है, अगर हम यहाँ पर प्लस का साइन लगा देते हैं तो माइनस और प्लस माइनस बन जाएगा, जबकि हमको लाना क्या है, प्लस लाना है। इसलिए हम यहाँ पर साइन लगाएंगे माइनस का, ताकि जब ब्रैकेट ओपन हो तो -6 और मल्टीप्लाई जब माइनस से हो तो फिर वो प्लस में आ जाए। तो अब 6 का मल्टीप्लाई कितना से करेंगे, 19 आएगा, तो 6 का मल्टीप्लाई हम 15 से करेंगे तो हमारा 19 आएगा। अब यहाँ देखो y-15, यहाँ पर भी y-15 हो गया, बस यहाँ से y-15 को कॉमन ले लो तो बच क्या जाएगा हमारा, y-6 बच जाएगा और यही हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। यानी इस तरीके से आपको इसको फैक्टराइज करना है। अभी अब आपने फर्स्ट वाला वीडियो देखा होगा तो आपको ये एकदम सिंपल समझ में आ गया होगा, अगर आपने नहीं देखा तो जरूर देख लें, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। बाकी इसमें भी अगर हम आगे भी सॉल्व करने चल रहे हैं, आगे सॉल्व करते जाएंगे आपको समझ में आते जाएगा। आइए 14 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। यहाँ पर हमें सम कितना लाना है, -22 लाना है और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 117 आना चाहिए। तो बताइए ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका प्रोडक्ट 117 होता है। तो जाहिर सी बात है 13 9 जो हमारा कितना होता है, 117 होता है और 13 और 9 जो होता है हमारा 22 भी होता है। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे, 13 और 9 ले लेंगे। लेकिन जैसे हमारे पास यहाँ पर माइनस में लाना है सम, तो पहले जैसे हमने माइनस में लिया तो दोनों नंबर को ना, यानी कि 13 को भी माइनस में ले लेंगे और जो हमारा 9 है उसको भी माइनस में ले लेंगे, तब फिर हमारा -13 और -9 कितना हो जाएगा, -20 हो जाएगा। मैं इस तरीके से नहीं लिख रहा हूं, ये वाला मैं एक बार लिख दिया ना मैंने, आपको हर बार इस तरीके से जरूर लिखना है। जितने बार भी आप सॉल्व करो कम से कम इतना लिखना ही है, भले आप बड़ा स्टेटमेंट ना लिखो तो कम से कम इतना जरूर लिख लेना। मैं यहां पर डायरेक्ट सॉल्व कर देता हूं, यानी इसको डायरेक्ट डिवाइड कर देता हूं। ये हो जाएगा हमारा एक्स का स्क्वायर माइनस में इसको हम बना देते हैं 13x और माइनस में 9x इस तरीके से, तो 9 और ये हमारा 13 कितना हो जाएगा, -22 हो जाएगा और प्लस में ये जो 117 है इसको रहने देते हैं। यहां से हमारे पास एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में क्या बच जाएगा हमारे पास, -13 बच जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से x बच जाएगा, एक x का स्क्वायर था तो x बच जाएगा और यहाँ पर से हमारे पास x हमने बाहर निकाल लिया तो क्या बच गया, 13 बच गया, तो 13 लिख दो। उसके बाद यहाँ से -9 बाहर निकाल लो तो हमारा ब्रैकेट में क्या बच जाएगा, यहाँ से x बच जाएगा और जैसे मैंने आपको बताया माइनस का साइन निकालने से हमारा जो प्लस का साइन रहता है वो माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, तभी माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा। और उसके बाद आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 9 के टेबल में कितने टाइम पर 117 आता है इतना आपको सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहाँ पर देखो, यहाँ पर 13 लिखा है ना, इसका मतलब कि 9 के टेबल में 13 टाइम पर ही 117 आएगा, क्योंकि 13 7 जा कितना होता है हमारा, सॉरी 39 जा कितना होता है, 117 होता है, तो फिर 9 13 जा भी 117 ही होगा। तो यहाँ पर सीधे सीधे 13 लिख दो, तो यहाँ से मेरा क्या मिल गया, x-13 एक कॉमन निकल गया और उसके अलावा x-9 यहाँ से कॉमन निकल गया, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखा आपने कितना सिंपल था, बस ये स्टेप मैंने नहीं लिखा है, वो स्टेप आप लिख लेना कि जो सम आना चाहिए वो -22 आना चाहिए और प्रोडक्ट 117 आना चाहिए। तो नंबर कौन कौन से होंगे, -13 और -9 होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व करते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमको, जो सम लाना है वो लाना है -9 और जो प्रोडक्ट लाना है वो लाना है 20। तो एकदम सिंपल सा है, प्रोडक्ट लाना है 20 यानी कि 5 4 20 हो जाएगा और 5 और 4 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, लेकिन -9 लाना है इसलिए हम क्या लेंगे -5 और -4 लेंगे। आइए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा x² -5x और -4x। तो देखो 5 और 4 हमारा 9 भी हो जाएगा, माइनस का साइन भी लग जाएगा और 5 4 हमारा 20 भी हो जाएगा। तो ये हमारा दोनों यहाँ पर काम बन गया। अब यहाँ पर ईजी, बस आप क्या करो, एक्स एक्स कॉमन मिल रहा है, एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट में यहाँ एक्स बच जाएगा माइनस का साइन, और इन दोनों में से हमने एक्स बाहर निकाल दिया तो क्या बच गया 5 बच गया। तो इस 5 को लिख लो। अब इन दोनों में से क्या कॉमन मिल रहा है, यहाँ से -4 मिल रहा है, तो -4 को बाहर निकाल लो, ब्रैकेट में यहाँ एक्स बच जाएगा, और यहाँ पर फिर वही बात हो गया कि हमारा माइनस का साइन हमने बाहर निकाला है तो ये प्लस वाला माइनस हो जाएगा ताकि माइनस माइनस प्लस बन सके, और ये भी हो जाएगा हमारा -5। तो ये दो हमारे -5 बन गए हैं, तो x माइनस 5 लिख लो, ठीक है। इस तरीके से ये वाला x माइनस 5 एक हो जाएगा कॉमन, ले लो, बच क्या जाएगा हमारे पास x-4 बच जाएगा, तो इसको x-4 इस तरीके से लिख लो। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन रहते हैं ये वाले, बस आपको बस यही दिमाग लगाना है कि जो नंबर्स हैं वो कितने हैं, यानी कि सम करने पर जो इतना आ रहा है, तो ये जो है ना मेन, ये वाला स्टेप अगर आप समझ जाते हो, ये अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो पूरा बिल्कुल भी सिंपल क्वेश्चन है, उसके आगे आपको डाउट में कोई मतलब डाउट का जरूरत ही नहीं। आपने जैसा 20 वाला फर्स्ट वाला जो इसका एक्सरसाइज था 7a 7b उस टाइप से जो आपने पढ़ा है ना, उसी तरीके से सॉल्व होगा। बस ये है फर्स्ट स्टेप जो है इसका बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पर हमको वो नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका प्रोडक्ट और जो सम हो इस तरीके से है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व किया जाए। ये हमारा 16 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पर हमारा सम कितना आना चाहिए, देखो यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब एक 1 छुपा हुआ है, तो सम आना चाहिए हमारा 1 और जो प्रोडक्ट आना चाहिए वो आना चाहिए 132। तो दिमाग लगाया जाए, चलिए दिमाग लगाते हैं कितना होगा वो नंबर, वो नंबर होगा हमारा 12 11, जहाँ कितना होता है हमारा 132 होता है, 12 10 100 कितना होता है 20, तो 12 11 हो जाएगा हमारा 132। तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, एक 12 हो जाएगा और एक 11 हो जाएगा। अब दिमाग ये लगाना है हमको कि क्या लाना था वहाँ पर, वहाँ पर हमको 1 भी लाना था ना, प्लस करने के बाद 1 आना चाहिए, इसका मतलब को लेना है -12 और +11। तो -12 और +11 कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको +12 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है, तो यानी कि बड़े नंबर में प्लस आना चाहिए, तो +12 ले लेंगे और -11 ले लेंगे। तो ये हमारा इस तरीके से लिखाएगा x² +12x और -11x, तो 12 में से 11 माइनस होगा तो 1x बचेगा जो कि यहाँ पर दिया ही हुआ है, उसके अलावा फिर -132। अब यहाँ से कॉमन ले लो, दोनों में से x कॉमन मिल रहा है तो x निकाल लेते हैं, एक एक्स बच जाएगा, प्लस में यहाँ पर से 12 बच जाएगा। उस तरीके से यहाँ पर हम -11 को बाहर निकाल लेते हैं तो एक्स बच जाएगा, और यहाँ माइनस का साइन निकाला हमने तो अंदर वाला साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये माइनस था पहले तो ये प्लस बन जाएगा, तभी फिर जब ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस और प्लस मिल करके माइनस बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम प्लस का साइन लगाते हैं, और 11 के टेबल में कितने टाइम पर 132 आएगा, तो जाहिर सी बात है 12 11 जा होता है तो 11 12 जा हो जाएगा, यहाँ पर हम 12 लिख देंगे। तो यहाँ से मिल गया हमें कॉमन, बस कॉमन को लिख लो, यानी कि x+12 को, और जो जो बच गया है उसे लिख दो, यानी कि x-11 को, यही हो जाएगा आपका आंसर। बस बताया मैंने आपको मेन स्टेप ये है, उसके बाद जो है हम सिंपल से सॉल्व होने वाले हैं। आइए 17 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, यहाँ पर हमें x² 5x-104 दिया हुआ है, यानी कि सम कितना आना चाहिए नंबर्स का, जब इसको हम डिवाइड करें तो जब दो भाग में तोड़े तो हमारा 5 आना चाहिए प्लस, और जो उसका मल्टीप्लिकेशन और प्रोडक्ट हो 104 आना चाहिए। तो मेन आप प्रोडक्ट में ध्यान दो कि 104 हम कैसे ला सकते हैं, तो जाहिर सी बात है 13 8 हमारा कितना होता है 104 होता है, और 13 में से अगर हम 8 को माइनस कर देंगे तो कितना जाएगा हमारा 5 आ जाएगा। तो हम एक नंबर ले लेते हैं 13 और दूसरा नंबर ले लेते हैं -8, तो हमारा 13 में से 8 माइनस हो जाएगा प्लस करने के बाद भी, तो हम इसको इस तरीके से लिख लेंगे, ये हो जाएगा x² + 13x और -8x। तो 13 में से 8 माइनस होगा तो कितना आएगा हमारा 5x आ जाएगा, और उसके बाद फिर माइनस में हमारा हो जाएगा ये 104। और यहाँ से आप बस कॉमन ले लो, x यहाँ से निकाल लो, बच जाएगा 1x+13, फिर -8 यहाँ से निकाल लो बाहर, बच जाएगा यहाँ से x, और हमको पता है 8 के टेबल में 104 कितने टाइम पे आएगा, 13 टाइम पे ही आएगा क्योंकि 13 8 जो होता है 104। तो यहाँ पर हम प्लस में क्या लिख लेंगे, 13 लिख लेंगे। प्लस में क्यों लिखा मैंने आपको पता है ना, क्योंकि माइनस और प्लस मिलकर के हमारा माइनस बन जाएगा। तो अब यहाँ x+13 और x+13 है, x+13 कॉमन ले लिया जाए, बच जाएगा हमारा x-8। तो यही हो जाएगा इसका आंसर। देखा कितना सिंपल है, दो दो लाइन का बस आंसर है, बस इसमें आप थोड़ा सा माइंड आपको खर्च करना पड़ेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करें। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है, आइए सॉल्व कर लेते हैं। 7 लाना है हमको, यानी कि सम जो हो 7 हो और जो प्रोडक्ट वो कितना हो 144 हो। तो यहाँ पर हम कौन सा नंबर ले सकते हैं, दिमाग लगाइए, 144 किसके टेबल में आता है, तो 144 16 के टेबल में आता है, 69 जो हमारा कितना होता है 144 होता है, और अगर हम 16 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारा 7 भी आ जाएगा।
तो यहाँ पर हम वही 16 और 9 यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं। ये हो जाएगा हमारा वाई का स्क्वायर प्लस में 16y और माइनस में हो जाएगा हमारे पास 9y। तो 16 में से 9 माइनस होगा तो कितना आ जाएगा हमारा 7y आ जाएगा, और 16 9 जाए हमारा 144 भी होता है, और इसको 144 इस तरीके से लिख दो। अब क्या करना है, यहाँ से कॉमन ले लेना है, यहाँ यहाँ दोनों जगह y है, y निकाल लो बाहर, एक y बच जाएगा प्लस में 16 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस 9 बाहर निकाल लो, बच जाएगा ये y, और फिर यही माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि हमको यहाँ पर माइनस लाना है तब ना माइनस और प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ प्लस का साइन लगा लो और 9 के टेबल में 16 टाइम पर ही आएगा हमारा 144, क्योंकि 16 9 जब 144 होता है तो 9 16 जब भी 144 होगा। तो अब ये कॉमन मिल गया, तो बस y प्लस 16 लिख दो एक बार, और ये y माइनस 9 लिख दो। ये हो गया हमारा आंसर, देखा आपने कितना सिंपल है। आइए 19 सॉल्व करते हैं। ये हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, सम कितना आना चाहिए उसका, तो 19 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट आना चाहिए सुनिए यहाँ पे 19z होना चाहिए था, हाँ 19z होगा यहाँ पर, क्योंकि तो कभी भी यहाँ पर z स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर z होगा ही होगा। तो हमारा सम कितना आना चाहिए, 19 आना चाहिए, और जो प्रोडक्ट हो 150 आना चाहिए। तो कौन सा नंबर हो सकता है, अगर हम 15 और 10 लेते हैं तो 150 तो हो जाएगा, लेकिन 15 और 10 में हमारा 9 नहीं आएगा। अगला क्या ले सकते हैं हम, 20 के टेबल में तो नहीं आता है, 25 के टेबल में, 25 6 हमारा 150, 25 और 6 19, 25 में 6 माइनस होगा तो 19, बिल्कुल हम यहाँ पर क्या ले सकते हैं, 25 और 6 ले सकते हैं। तो हम इसको क्या कर लेंगे, z स्क्वायर लिख लेंगे प्लस में, यहाँ पर हम इसको क्या लिखेंगे, 25z, और माइनस में 9z ले लेते हैं। तो 25 में से 9 माइनस होगा तो कितना आएगा, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, 6z ले लेते हैं। तो 25 में से 6 माइनस होगा तो 19z आ जाएगा, और फिर माइनस में इधर 150, क्योंकि 25 का हम 6 टाइम टेबल पढ़ते हैं तो कितना आता है, 150 आता है। तो बस ये हमारा नंबर बन गया, यानी कि 19z को हम क्या लिखेंगे, 25 माइनस 6z लिख लेंगे। तो यहाँ से हमारा z कॉमन मिल रहा है, z निकाल लो बाहर, एक z बच गया प्लस में 25 बच गया, इधर में हमारे पास माइनस 6 बाहर निकल रहा है, माइनस 6 को निकाल लो, बच जाएगा z, और ये हो जाएगा प्लस में हमारा कितना 25, क्योंकि 25 6 जाइए हमारा होता है 150। तो यहाँ से z प्लस 25 कॉमन ले लिया जाए इस तरीके से, और फिर इधर बच जाएगा हमारा z माइनस 6। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 19 भी सॉल्व। आइए 20 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है, यहाँ पर सम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए, कुछ नहीं लिखा यानी कि 1 छुपा हुआ है, यानी कि सम हमारा 1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट जो है 72 आना चाहिए। तो बहुत ही सिंपल है, किसके टेबल में 72 आता है, हमारे 9 के टेबल में, 9 8 जो 72 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 9 में से 8 माइनस भी कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम नंबर्स क्या लेंगे, 9y, और वहाँ पर एक ले लेंगे 8y, और उसको माइनस में ले लेंगे, तभी ना फिर 9 में से 8 माइनस होकर के हमारा 1y आ जाएगा। तो इस तरीके से सॉल्व कर लो, वाई का स्क्वायर प्लस में 9y और माइनस में 8y, और ये माइनस में 72 रहेगा ही रहेगा। तो 9 में से 8 माइनस होगा कितना आएगा, हमारा 1y आ जाएगा। अब बस इसको यहाँ से आ करो कॉमन ले लो, y यहाँ यहाँ दोनों जगह y निकाल लो बाहर, एक y बच जाएगा प्लस में 9 बच जाएगा। उसके बाद यहाँ से माइनस 8 बाहर निकाल लो, तो यहाँ y बच जाएगा, और ये माइनस, यहाँ आपको माइनस लाना है तो अंदर में क्या लिखना पड़ेगा, प्लस लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 8 9 72। तो यहाँ पर सभी 9 प्लस y प्लस 9, और y प्लस 9 है तो y प्लस 9 एक कॉमन ले लिया जाए, और फिर जो बच गया y माइनस 8 इसको उतार दीजिए, और यही हो जाएगा आपका आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन में 20 को फैक्टराइज करना था। आइए 21 सॉल्व करते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस वीडियो का, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमको प्रोडक्ट कितना लाना है, 91 लाना है, और सम जो है 6 लाना है। तो प्रोडक्ट में ध्यान दो, तो हमको पता है कि 9 के टेबल में जब हम लोग पढ़ते हैं, सॉरी 9 बोल रहा हूँ, 9 के टेबल में तो 90 आता है, 91 आता नहीं है। 13 के टेबल में जब हम लोग 7 टाइम पढ़ते हैं तो 13 7 जो कितना होता है हमारा, 91 आता है। और उसी तरीके से अगर हम 13 में से 6 माइनस कर दें, सॉरी 7 माइनस कर दें, तो हमारा 6 भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पर 13 और 7 ले लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा a का स्क्वायर प्लस में 13 है, और माइनस में यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास कितना 7 है। तो 13 में से 7 माइनस होगा कितना हो जाएगा हमारा 6 से आ जाएगा, और 13 7 जाए हमारा 91 भी होता है, और ये प्लस और माइनस माइनस में 91 भी आ जाएगा। तो हमारा ये 13 और 7 यहाँ पर परफेक्ट बन रहा है। तो बस इसको अब यहाँ पर क्या करो, कॉमन ले लो ए को, यहाँ बच जाएगा ए के प्लस में 13, यहाँ से 7 को कॉमन ले लो यानी कि माइनस 7 को, तो बच जाएगा ए और प्लस में 13, क्योंकि फिर 7 13 जहाँ 91 हो जाएगा, और यहाँ पर ये माइनस और प्लस मिलकर के माइनस में आ जाएगा आंसर। ए प्लस 13 दोबारा आ गया, कॉमन ले लो ए प्लस 13 को एक बार, इस तरीके से बच जाएगा हमारा ए माइनस 7, तो यहाँ पर लिख लो ए माइनस 7। चलो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व। लेकिन मैंने कहीं पर भी देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में केवल लिखा था मैंने सम ना, वो आपको हर जगह लिखना है, यानी कि यहाँ पर भी आपको लिखना है कि सम हमारा 6 आना चाहिए, और प्रोडक्ट इक्वल टू कितना आना चाहिए, 91 आना चाहिए। फिर नंबर कौन सा लिखोगे आप, 13 एंड माइनस 7। इस तरीके से मैंने आपको 13 नंबर के क्वेश्चन में स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन बताया था, उसी तरीके से आपको सभी क्वेश्चन में लिखते जाना है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।